मेरा नाम डॉक्टर अमरेश कुमार है और पेट सेंटर क्लिनिक कंकरबाग, मैं वेटनरी सर्जन हूँ। मैं समस्त बिहार वासी पटना वासी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, साथ में आने वाले मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक बधाई। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 2020 पिछला साल जो गुजरा है बहुत ही संघर्षपूर्ण गुजरा है और उम्मीद करेंगे कि 2021 बहुत अच्छे से गुजरे। जो कुछ भी हुआ उन पुरानी यादों को पीछे छोड़ते हुए हम लोग नए साल में नए जोश नए उमंग के साथ शुरुआत करेंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, नया साल सभी के लिए बहुत ही अच्छा गुजरे। सीखने क्यों मिला सर? सब 2020 तो बहुत सारी चीजें सिखाने को मिला। सबसे पहले तो अपने हेल्थ के बारे में सबको सिखाया कि आप हेल्थ के प्रति सजग रहें, साफ सफाई के प्रति सजग रहें और जनरली जो हम लोग इम्यूनिटी की बात करेंगे, इम्यूनिटी का ये सिखाया कि जितने भी बाहर से लोग जंक फूड खा रहे थे या कुछ नशा कर रहे थे, जितने भी लोगों को मैंने अभी भी एग्जाम्पल देखा है कि जो लोग भी नशा कर रहे थे किसी टाइप का, उनका इम्यूनिटी डाउन था। कई बार कोरोना पेशेंट ऐसे भी देख न्यूज में सुनने को मिला जो कि एक एक महीने दो दो महीने तक लोग बेड पर रहे। इवन मैं भी कोरोना से संक्रमित हुआ था और इम्यूनिटी पर ध्यान देने का नतीजा ये रहा कि सिर्फ कोई सिम्टम्स नहीं आया था सिवाय इस बात के कि मेरा स्मेल गायब हुआ था और बाकी सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मल था बिल्कुल। खुद से 14 दिन का क्वारंटाइन लिया, जब जैसे स्मेल मुझे पता चला तुरंत मैंने टेस्ट करवाया और पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकलने के बाद 14 दिन का सेल्फ क्वारंटाइन किया और फिर ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। तो इम्यूनिटी डेवलप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो यही चीज समझ में आया और साफ सफाई ये सब पता चला। और दूसरी चीज है कि फाइनेंशियली भी मैं देखूँ तो सारे लोगों को ये कहना चाहूंगा कि किसी भी एक सोर्स पे कई बार क्या होता है कि हम लोग टिके होते हैं। हमारे सोसाइटी में ये बताया जाता है कि आप एक काम करो, एक धर्रे पे चलो। नहीं, एक धर्रे पे चलने का जमाना नहीं है, 2021 आ गया है। अब आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हर चीज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपके अपने नॉलेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अब मैं डॉक्टर हूँ, केवल डॉक्टरी पैसे में रह जाऊंगा तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ। हमको हर प्रोफेशन में आपको अलग अलग चीज के बारे में सोच के रखना पड़ेगा। जैसे देखते हैं न्यूज में हर रोज आते हैं करोड़ों नौकरियां चली गई, तो चली गई, आप एक ही चीज सोच के रखे हुए थे तब ना, स्किल डेवलप नहीं किए तब तो, एक ही चीज के ऊपर स्किल था तब तो। सही, बिल्कुल। अगर वो आदमी स्किल्ड हो तो खुद का भी बिजनेस कर सकता है। कोई इंजीनियर है नौकरी चली गई तो खुद का तो व्यापार कर सकता है। डॉक्टर्स भी थे, मैं अपने प्रोफेशन में बात करूं वेटनरी में, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि नौकरी के सिवाय क्या करें, आप अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करें और हर आने वाले झटके को सहने के लिए अपने आप को तैयार रखें। बिल्कुल।